नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकिता सिंह। एनडीए से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर इतिहास दोहराने की दहलीज पर खड़े हैं। 6 साल पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। इस कहानी में एनडीए, कांग्रेस, कुशवाहा और नीतीश कुमार शामिल है। कहानी के पात्र भी वही है जो 6 साल पहले थे और कहानी का सार भी वही है जो 6 साल पहले था, लेकिन कहानी अब थोड़ी दिलचस्प हो गई है। क्या है पूरी कहानी देखिए इस वीडियो में। उपेंद्र कुशवाहा इतिहास को दोहराने वाला है या उनका राजनीतिक इतिहास है। इस इतिहास का वास्ता भी एनडीए, कांग्रेस और नीतीश कुमार से रहा है। इतिहास के पन्नों में ठीक 6 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा आज ही के दिन एनडीए को बड़ा झटका दिया था। ठीक 6 साल पहले आज ही के दिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक मामले में एनडीए के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन किया था। 6 साल पहले आज ही के दिन उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल भी फूंका था। इसे बक का तगादा ही कहे कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर उसी राह पर खड़े हैं। उसी मोड़ पर इतिहास का पन्ना उनका इंतजार कर रहा है। एनडीए से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा किसी भी वक्त एनडीए से विदा हो सकते हैं। भाजपा और जेडीयू के खिलाफ बगावती तेवर के बावजूद उनका मंत्री पद पर बना होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन यदि इतिहास के पन्नों को पलटे तो उपेंद्र कुशवाहा की सियासी चाल आसानी से समझी जा सकती है। आज ही के दिन ठीक 6 साल पहले 7 दिसंबर 2012 को उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को सदन के भीतर बड़ा झटका दिया था। वे जेडीयू के राज्यसभा सदस्य थे। उस दिन राज्यसभा में खुदरा में एफडीआई से संबंधित बिल पारित होना था। विपक्ष में होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग की थी। इसके बाद तात्कालिक जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि इससे पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। आज एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा संसद में इस इतिहास को दोहरा सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। वैसे दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार के साथ डटकर खड़े रहे शरद यादव आज नीतीश कुमार के खिलाफ और उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं।